हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ कैन वी मैनेज एसपीएसएस डेटा फाइल। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक लिस्टिंग ऑफ केसेस, हम अपने केसेस को कैसे लिस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटिंग अ न्यू वेरिएबल, रिकोडिंग अ वेरिएबल। आज इस वीडियो में हम ये सारे चीजें सीखेंगे। हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ न्यू वेरिएबल, how can we list the cases and how can we compute a new variable. last video mein humne ek database develop kiya tha, student database. aaj hum usi pe aage kaam karenge. ye humne ek database pichli bar develop kiya tha jisme humne 16 variables ko define kiya tha, right? all these are the 16 variables jisme student id, name, gender, ethnic, course, section, year, GPA, extra activities, review sessions, quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4, quiz 5 and final marks. ये हमारे पास ये variables हमने define किए थे और हमने उसमें कुछ data entry की थी. Now I want कि मुझे वो list करने cases. Cases list का मतलब क्या होता है? Cases list होता है कि मान लीजिए मेरी बहुत लंबी फाइल है जिसमें 2000-3000 रिकॉर्ड्स हैं या थोड़े ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। मुझे उनमें से कुछ स्पेसिफिक केसेस चाहिए, कुछ क्राइटेरिया मैंने डिसाइड किया हुआ है। उतनी बड़ी फाइल में मैं उन केसेस को कैसे फाइंड आउट करूँ? तो एसपीएसएस हमें वो केसेस को फाइंड आउट करके दे देता है। कैसे हम वो केसेस ले सकते हैं? लाइक एनालाइज पे जाते हैं, उसमें हम जाते हैं एनालाइज, क्लिक ऑन एनालाइज, क्लिक ऑन रिपोर्ट्स। जब हम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो केस समरीज का एक ऑप्शन होता है, केस समरीज पे क्लिक कीजिए। केस समरीज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो सारे डिफाइंड वेरिएबल्स हैं वो आ रहे होते हैं। राइट हैंड साइड पे दो बॉक्स आ रहे हैं, एक है वेरिएबल। हम इसमें वो वेरिएबल्स लेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे केस में आए, राइट? इसमें मैं सारे के सारे वेरिएबल्स ले रही हूँ एक्सेप्ट जेंडर, राइट? मैं चाहती हूँ ये सारे वेरिएबल्स लिस्ट हों, लेकिन जेंडर लिस्ट इसमें नहीं कर रही हूँ मैं। एंड ग्रुपिंग वेरिएबल इज आई वॉन्ट कि ये मेरा जो ग्रुपिंग कर दे वेरिएबल्स को ये जेंडर पे कर दे, राइट? अभी जो मैंने फाइल बनाई हुई है उसमें इफ यू कैन सी जेंडर को मैंने 1 को मेल दिया है एंड 2 इज फॉर फीमेल। देखिए 1 1 मेल मेल, फिर फीमेल आ गया, फिर 1 आ गया, फिर फीमेल आ गया। आई जस्ट वांट टू नो कि फीमेल्स एक साइड पे सारी लिस्ट हो जाएं और मेल्स जो हैं वो एक तरफ लिस्ट हो जाएं सारे, तो मैं उन्हें ग्रुपिंग करना चाहती हूँ, राइट? तब ये समराइज केसेस उसमें मुझे हेल्प करेगा। डिस्प्ले केसेस, सारे केसेस को डिस्प्ले करें। लिमिट केसेस टू फर्स्ट 100, मान लीजिए आपके पास 200-250-2000 फाइल है, इसमें बाय डिफॉल्ट 100 होता है कि पहले 100 केसेस को वो समरी कर दे। मैं इसमें कर देती हूँ लिमिट केसेस टू से 20, पहले 20 केसेस को दे दे, आप इसे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। शो ओनली वैलिड केसेस, वैलिड केसेस को शो करे, मिसिंग्स में वो नहीं दिखाता है। शो द केस नंबर, ये डिफॉल्ट चेक नहीं होता, मैं इसे चेक कर रही हूँ कि ये मुझे केस नंबर भी दिखाए। इफ इन केस आई वांट टू मेक चेंजेस तो मुझे ये हैंडी रहता है कि केस नंबर है, मैं जाके वहां पे चेंज कर सकती हूँ। आफ्टर दिस क्लिक ओके। हम जब क्लिक ओके करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट खुल के आ जाता है, राइट? दिस इज केस प्रोसेसिंग समरी। ये देखिए, ये है स्टूडेंट आईडी, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, ये सारे जो हमने वेरिएबल लिए हुए हैं N20, क्योंकि हमने 20 रिकॉर्ड्स के बारे में बोला था। परसेंटेज इज 100, मिसिंग नहीं है, एक्सक्लूड कोई भी केस नहीं हुआ है, अगर कोई मिसिंग वैल्यू होती तो एक्सक्लूड हो जाता, राइट? ये देखिए, यहाँ आ जाइए, दिस इज द केस समरी टेबल। केस समरी टेबल में पहला जो है जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, मेल एंड फीमेल, ग्रुपिंग हो गया मेल और फीमेल पे, राइट? मेल पे ग्रुपिंग हो गया, पहले मेल के सारे जितने भी मेल के रिकॉर्ड्स हैं वो आएंगे और फिर फीमेल के रिकॉर्ड्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे। पहला रिकॉर्ड देखिए, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, दिस इज द केस नंबर। जो मेरी फाइल में केस नंबर 1 है वो मेल है, उसकी सारी डिटेल्स आ रही है। केस नंबर 2 इज मेल, सारी डिटेल्स आगे टेबल शो कर रहा है। केस नंबर 4 इज मेल, यानी कि 3 फीमेल में आ गया है। केस नंबर 6 इज मेल,
केस नंबर 7 मेल है, देन 9 मेल, 10, 14, राइट, 20, 19, 18, ऐसे केसेस मेल है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन माय फाइल इज 13 आउट ऑफ 20. फीमेल देखिए, फीमेल फिर उसके बाद जब सारे मेल्स लिस्ट हो गए तो फीमेल लिस्टिंग हुई है. फीमेल केस नंबर 3 फीमेल का केस है, केस नंबर 5 इज फीमेल, केस नंबर 8 इज मेल, केस नंबर सॉरी फीमेल, केस नंबर 11 इज फीमेल, केस नंबर 12 इज फीमेल. टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन फर्स्ट 20 रिकॉर्ड इज 7. इसने मुझे ये सब बता दिया कि कितने मेरे पास मेल्स हैं, पहले फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स में कितने फीमेल हैं, कौन से केसेस में क्या हैं, राइट, कौन से रिकॉर्ड में कौन से केस कौन से नंबर पे है, राइट. तो आई कैन, दिस इज हैंडी स्पेशली जब हमारे पास फाइल बहुत ज्यादा लंबी होती है, बहुत बल्की होती है, और उसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक केसेस चाहिए होते हैं, राइट. इसी तरह से एक होता है कंप्यूटिंग वेरिएबल्स और कंप्यूटिंग प्रोसीजर, दैट इज क्रिएटिंग अ वेरिएबल. हम वेरिएबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारी फाइल है, इसमें इसमें हमने फील्ड्स लिए हुए हैं क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, क्विज 5 एंड फाइनल. ये मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्विजेस जो उनके हुए हैं और फाइनल जो उनका आया है, राइट. नाउ आई वांट टू कंप्यूट के टोटल स्कोर क्या है स्टूडेंट का. एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं सबको एडिशन करूं और फिर एक वेरिएबल बनाऊं टोटल और उसमें फिर डेटा को मैं एंटर करूं, लेकिन SPSS बहुत ही आराम से हमारे लिए ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है. कैसे करता है ये काम हमारे लिए SPSS? गो टू ट्रांसफॉर्म, क्लिक ऑन कंप्यूट. जब हम कंप्यूट वेरिएबल पे आते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाइए, कंप्यूट पे क्लिक कीजिए. कंप्यूट पे जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारा खुल के आ जाएगा, राइट. सबसे पहला जो आ रहा है वो टारगेट वेरिएबल पूछ रहा है. टारगेट वेरिएबल मींस नेम ऑफ द वेरिएबल. आप अपने वेरिएबल को क्या नाम देना चाहते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू टोटल द मार्क्स, सो आई वॉन्ट टू गिव द नेम टोटल. मैंने उसका नाम दे दिया टोटल, राइट. लेफ्ट हैंड साइड पे अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, राइट. और टाइप्स एंड लेबल्स हैं हमारे राइट हैंड साइड पे, वो सारे वो वेरिएबल्स दिखा रहा है जो वेरिएबल्स हमारी डेटा फाइल में है. न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस का है, वहां पे हम एक्सप्रेशंस को चूज करेंगे. और नीचे देखिए कैलकुलेटर का बोर्ड आ रहा है, इसका क्या फायदा है? टोटल, मुझे टोटल कैसा चाहिए? मुझे टोटल चाहिए क्विज 1 के मार्क्स, तो मैं यहाँ से टाइप्स एंड लेबल्स में से क्विज 1 के मार्क्स लूंगी. फ्रॉम दिस बॉक्स एडिशन प्लस एडिशन, एडिशन को प्लस कीजिए, एडिशन पे क्लिक कीजिए, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए. क्विज 1 प्लस मार्क्स ऑफ क्विज 2, मार्क्स ऑफ क्विज 2, आई वांट मार्क्स ऑफ क्विज 2, एड मार्क्स ऑफ क्विज 3, क्लिक ऑन प्लस साइन, देन क्लिक ऑन क्विज 4, देन आई वांट क्लिक ऑन एडिशन, एंड देन क्लिक ऑन क्विज 5, राइट, और देन अगेन क्लिक ऑन एडिशन एंड क्लिक ऑन फाइनल, बिकॉज आई वॉन्ट द मार्क्स ऑफ फाइनल. ये मेरे टोटल मार्क्स दिखाएंगे. टोटल इक्वल्स टू, देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है, टोटल इक्वल्स टू क्विज 1 प्लस क्विज 2 प्लस क्विज 3 प्लस क्विज 4 प्लस क्विज 5 प्लस फाइनल. इन सब के मार्क्स जो है वो टोटल आ जाएंगे हमारे. अब यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप्स हैं. फंक्शन ग्रुप्स अरिथमेटिक हैं, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स होते हैं. कुछ कॉमन फंक्शन ग्रुप्स हैं जो हम यूज करते हैं, चूंकि अरिथमेटिक फंक्शन है तो ये अरिथमेटिक ही रखते हैं हम इसे. क्लिक ओके. जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि एक नया वेरिएबल हमारी डेटा फाइल में डिफाइन हो चुका होगा. सी यू कैन सी कि हमारे यहाँ एक टोटल नया वेरिएबल डिफाइन हो चुका है. टोटल देखो, टोटल आप चाहें तो इसे टोटल कर सकते हैं. क्विज 1, 2, 3, 4, 5 और फाइनल के मार्क्स जब आप टोटल करेंगे तो 133 आएगा. सिमिलरली ये पूरे फाइल में इसने मेरे मार्क्स को टोटल कर दिया है. इट्स टू इजी. अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता? मैनुअल में एक वेरिएबल क्रिएट करती, मैनुअली एडिशन करती और फिर उनकी डेटा एंट्री करती. ये काम मेरे लिए SPSS ने इजीली कर दिया है, राइट. सिमिलरली अगर मुझे इनका परसेंटेज निकालना है, राइट,
मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि अब मैं ये चाहती हूँ कि परसेंटेज निकल के आए, जो टोटल मार्क्स है उसमें परसेंटेज आ जाए. देन अगेन क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल. जब हम कंप्यूट वेरिएबल करते हैं तब अब हमें क्या चाहिए, मैं इसे रिसेट कर देती हूँ. हमें चाहिए टारगेट वेरिएबल का नेम परसेंट, परसेंटेज, राइट. टारगेट वेरिएबल नेम, गिव द नेम ऑफ द टारगेट वेरिएबल, दैट इज परसेंटेज, राइट. अब हमें यहाँ पे परसेंटेज में क्या चाहिए, परसेंटेज में अब यहाँ पे हम देखिए फंक्शन ग्रुप्स में आते हैं. फंक्शन ग्रुप में परसेंटेज भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है. नीचे देखिए फंक्शन एंड स्पेशल वेरिएबल्स हैं. इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है ये, राइट. ऐसे ही राउंड है, ये देखिए आर एन डी वन टू, आर एन डी जो हमारी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा, राइट. वैल्यू को राउंड ऑफ कर दे. आई वॉन्ट, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए राउंड ऑफ भी, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, राइट. राउंड ऑफ कर दीजिए. राउंड ऑफ के बाद हमें किसको राउंड ऑफ करना है, हमें राउंड ऑफ करना है टोटल मार्क्स. परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज वो वेरिएबल जिसका हमें टोटल, जो हमारा वेरिएबल है दिस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय जो हमने मार्क्स लिए थे, फाइनल मार्क्स हमने 100 लिए थे और 10-10 मार्क्स के जो थे हमारे क्विजेस थे, तो टोटल हो गया 150, ठीक है. तो 150 डिवाइडेड बाय 150, क्लिक ऑन ओके. जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया वेरिएबल कंप्यूट होके आ चुका होगा जो हमें परसेंटेज शो कर रहा होगा, राइट. देखिए हमारे पास ये नया वेरिएबल आ चुका है जो परसेंटेज को शो कर रहा है. टोटल हमारा कंप्यूट हो गया, परसेंटेज हमारा कंप्यूट हो गया, राइट. 133 का परसेंट कितना बना, 150 के निकालें, टोटल 150 मार्क्स थे तो 89%, 86% जिसका जितने मार्क्स थे उतने मार्क्स उसके आते चले गए, तो उसने राउंड ऑफ कर दिया. अगर मैं ये राउंड ऑफ नहीं करती तो जो उसका एग्जैक्ट परसेंटेज बनता वो वही आता. अगर आप चाहें तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप राउंड ऑफ मत कीजिए, राइट. नेक्स्ट इज रिकोडिंग. हाउ कैन वी रिकोड द वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स को कैसे रिकोड कर सकते हैं, रिकोड की क्या जरूरत पड़ती है. मान लीजिए मेरे पास दो फाइल्स हैं, राइट. इस फाइल में मैंने मेल जेंडर जो है, मैं इस एग्जांपल से समझाती हूँ, जेंडर को मैंने रिप्रेजेंट, जेंडर जो है मैंने मेल को रिप्रेजेंट किया है 1 से और फीमेल को रिप्रेजेंट किया है 2 से. मेरे पास एक और फाइल है, राइट, उसमें मैंने उल्टा कर रखा है, मैंने फीमेल को 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है और मेल को 2 से रिप्रेजेंट कर रखा है. आई वॉन्ट टू चेंज, कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों फाइल में सिमिलर हो जाए कोडिंग, राइट. कि मेल और फीमेल जो है वो 2 से रिप्रेजेंट हो और फीमेल जो है वो 1 से रिप्रेजेंट हो जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो मुझे ये काम करना है अगर, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं दो तरह की कोडिंग होती है, राइट. एक होती है रिकोड इन द सेम वेरिएबल और दूसरा होता है रिकोडिंग इन डिफरेंट वेरिएबल. तो हम सेम वेरिएबल में ये रिकोड कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, जेंडर, राइट. जेंडर है जैसे, इसे मैंने डिफाइन कर रखा है. यहां मैंने जेंडर को सिलेक्ट कर लिया, न्यूमेरिक वेरिएबल है. देखो नीचे एक बटन है ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ओल्ड और न्यू वैल्यूज को इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे बताएगा कि यहाँ पे एक ओल्ड वैल्यू है, वहां पे एक न्यू वैल्यू है, राइट. ओल्ड वैल्यू, आई वॉन्ट वैल्यू, मुझे वैल्यू ही लेना है, क्लिक ऑन 1, राइट. 1 मुझे दे दे वो. नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू चेंज दिस वैल्यू विद न्यू वैल्यू, मुझे इस वैल्यू को न्यू वैल्यू से चेंज करना है, 2. रिप्लेस वैल्यू 1 विद 2, एड, क्लिक ऑन एड, एड हो गया. सिमिलरली रिप्लेस 2 विद रिप्लेस 1, मतलब
जो मैंने पहले कोडिंग कर रखा था मैं उस कोडिंग को चेंज कर रही हूँ। मैंने मेल को 1 से रिप्रेजेंट कर रखा था, अब मैं चाहती हूँ मेल 2 से रिप्रेजेंट हो, फीमेल 2 से रिप्रेजेंटेड थी, फीमेल 1 से रिप्रेजेंट की जाए। राइट, क्लिक ऑन कॉन्टिन्यू। जैसे ही हम कॉन्टिन्यू करते हैं, क्लिक ऑन ओके। जब हम ओके पे जाएंगे, आप देखेंगे कि हमारी जो कोडिंग है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास आया था 1 वॉज आर मेल। अब हम जाके चेक कर लेते हैं क्या हमारे चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं कोडिंग में। राइट, हाँ, स्टार्ट, वेयर इज माई फाइल, गिव मी अ सेक, लेट मी चेक वेयर इज द फाइल। वन टू फोर, सी, जेंडर। देखिए पहला जो था वो 1 था, मेल था, अब उसमें जेंडर 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। राइट, तो दिस इज विजिबल, ये अब हमारा जो है वो कोड हो गया है, इसे हमने रिकोड कर दिया है विद इन द सेम वेरिएबल, ये हमने सेम वेरिएबल में कोड किया है। सिमिलरली वी कैन रिकोड एन अनदर वेरिएबल, सपोज अब मैं इसे अनदर वेरिएबल को समझाती हूँ कि मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं रिकोडिंग करना चाहती हूँ। जैसे जो मेरी परसेंटेज आई है, मैं उस परसेंटेज को रेंज में डिफाइन करना चाहती हूँ कि जिसने 90 से 100% तक, 100% आया है जिसका, उसे ए ग्रेड दे। राइट, फिर अकॉर्डिंगली उसे हम चेंज करना चाहते हैं 90 से 100, फिर 80 से 89% जिसने स्कोर किया है उसके लिए बी ग्रेड हो, 70 से 79 जिसने स्कोर किया है उसके लिए सी ग्रेड हो। ऐसी कोडिंग मैं करना चाहती हूँ, एक नया वेरिएबल क्रिएट करना चाहती हूँ। उस वेरिएबल को, उसके लिए मैं क्या करूंगी, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल जब मैं करूंगी, तब मुझे किसे कोड करना है, मुझे परसेंटेज पे करना है। राइट, नेम, आउटपुट वेरिएबल में क्या चाहती हूँ, इसमें मुझे नेम इसलिए पूछा क्योंकि मैं नया वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं इसमें नाम दे देती हूँ ग्रेड। राइट, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, क्लिक ऑन ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ओल्ड और न्यू वैल्यूज पे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड वैल्यूज में वैल्यू है, वैल्यू नहीं, सिस्टम मिसिंग, सिस्टम यूजर मिसिंग, रेंज, मैं रेंज को डिफाइन करना चाहती हूँ। राइट, रेंज को जब मैं डिफाइन कर रही हूँ, तो मैं रेंज को डिफाइन कर रही हूँ 90 से लेके अगर 100 है तो ओके, मेरे को ये हटाना पड़ेगा, तो वो आ जाए हमारा, वो रिप्रेजेंट हो ए से, ए ओके। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए डिफाइन हो रखा है, मैं इसे रीसेट कर देती हूँ आपके लिए, जस्ट गिव मी अ सेक। परसेंटेज, परसेंटेज आउटपुट वेरिएबल, आई नेम ग्रेड, मैं नए वेरिएबल को नाम दे रही हूँ ग्रेड क्योंकि ये ग्रेड वेरिएबल चाहती हूँ मैं। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज वो मुझसे पूछ रहा है, ओल्ड वैल्यूज में मैं रेंज डिफाइन करती हूँ क्योंकि मुझे रेंज डिफाइन करनी है से 19 रेंज थ्रू 100, जो रेंज है उसमें जो वैल्यू आए। देखिए अभी मैं इसमें ए लूंगी तो ये लेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल्स आर स्ट्रिंग, मुझे ये करना पड़ेगा कि आउटपुट वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रिंग हो जाए। मैं इसकी विड्थ को भी कम कर देती हूँ, 8 से कम कर देती हूँ ए। राइट, एड देन फ्रॉम 89 से लेके से 89.9 तक जो है, 89.980, राइट, मैं इस रेंज को ले लेती हूं। एट्टी रेंज थ्रू, उल्टा कर दिया था मैंने, 89.9। राइट, बी एड देन कम्स 70
79.9 तक अगर कोई स्कोर कर रहा है, सी ग्रेड. 69.9 वैसे होगा नहीं क्योंकि हमने वहां राउंड ऑफ किया था परसेंटेज को, इफ यू रिमेम्बर. अगर हम राउंड ऑफ नहीं करते तब ये इसके चांसेस बहुत थे. एंड देन कम्स 0 से 59.9 तक अगर किसी का परसेंटेज है तो मार्केट एज एफ, राइट, वो हमें एफ से रिप्रेजेंट करे और हम इसे एड कर देते हैं. एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, राइट. चेंज किया ग्रेड को, ओके. सी अब हमारे पास ग्रेड भी हमारे पास हमारी फाइल में आ चुके होंगे. ये देखिए फाइनल, और हमारी फाइल में हमारे ग्रेड्स आ जाने चाहिए. आई एम वेटिंग फॉर द फाइल. ग्रेड्स सी टोटल हमारे लिए कंप्यूट कर दिया एसपीएसएस ने, परसेंटेज हमारे लिए ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर दी गई है, ग्रेड हमने डिफाइन किया अकॉर्डिंगली, जिसने जो स्कोर किया है उसके ग्रेड डिफाइन हो गए हैं. बी बी सी ए 95% पे ए आ गया है. आप चेक कर सकते हैं 51 जहां परसेंटेज है वहां एफ आ गया है, राइट. सो कितना इजी हो गया ये सब हमारे लिए. और ये हमें इम्पोर्टेंट होता है जब हमें लंबी फाइल्स, ज्यादा बल्की फाइल्स को हैंडल करना होता है. इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और बात करेंगे मिसिंग वैल्यूज की और डिफरेंट और वैल्यूज की, डिफरेंट और प्रोसीजर्स की नेक्स्ट वीडियो में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.